हेलो फ्रेंड्स, तो एप्पल की तरफ से आ चुकी है एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 की सीरीज, जिसका बहुत बेसब्री से बहुत लोगों का इंतजार रहता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ बिगेस्ट अपग्रेड्स के बारे में जो कि प्रो सीरीज में किए गए हैं। तो अगर हम इसकी डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है पुराने आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह ही, पर जो लिटिल बिट इसमें डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि जो इसका कैमरे का थोड़ा सा बम्प है वो थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा बाहर आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें अभी भी थंडरिंग बोर्ड ही देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल ने अभी एक नई सीरीज लॉन्च की है, एक ही सीरीज में तो वो इतने सारे अपग्रेड तो देगा नहीं। तो मान सकते हैं कि आईफोन 15 या 16 जब आएगा तब हमें ये थंडरिंग बोर्ड टाइप सी से रिप्लेस होता हुआ दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले के ऊपर आप देख पा रहे हो नॉच टोटली रिप्लेस हो चुकी है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सबसे बड़े अपग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इसका कैमरे को लेकर। एप्पल ने इस बार 14 सीरीज के अंदर बहुत ही बड़ा अपग्रेड किया है इसके खासकर कैमरे को लेकर। तो कैमरे में हमें देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। और साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करें तो इसके जो कैमरा के फीचर्स हैं वो सभी के सभी को एप्पल ने बहुत ही ज्यादा तरीके से अपग्रेड कर दिया है। अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर तो परफॉर्मेंस के लिए एप्पल हमें दे देता है यहाँ पे A16 बायोनिक चिपसेट, जो कि है 6 कोर का प्रोसेसर, 4nm बेस्ड है। और देख लीजिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस लेवल की होने वाली है। बट यहाँ पे A16 जो है वो आपको सिर्फ प्रो वेरियंट्स में देखने को मिलता है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो आईफोन 14 में आपको A15 चिपसेट मिलता है उसको भी एप्पल ने काफ़ी हद तक अपडेट कर दिया। तो ऑल दो इसकी परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है इसके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एप्पल की तरफ से पहली बार देखने को मिल जाता है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, जो आपके इस आईफोन की लुक्स को काफी हद तक बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो जो नेक्स्ट एंड बिगेस्ट अपग्रेड है वो है इसके नॉच को लेकर। तो अभी तो इसके अंदर नॉच को रिप्लेस ही कर दिया भाई, अब नॉच की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि हमारे पास देखने को मिलेगा पंच होल डिस्प्ले या तो ऊपर से जो वी आता था वो देखने को मिलेगा, बट आईफोन ने ऐसा कर दिया है कि यह इसके अंदर एक डायनेमिक आइलैंड डाल दिया छोटा सा, जो कि आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से, आपकी फेस आईडी के हिसाब से कम ज्यादा साइज चेंज करता रहता है। तो इसके अंदर आपका जो मैजिकल डिस्प्ले को लेकर जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी न्यू टेक्निकल वीडियोस को देख